राहें जहां तक जाएगी, राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछते हो, नीर कहाँ तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर, अरे खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का। बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा, तीर कहाँ तक जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक एग्जाम के लिए गणित और विज्ञान की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। हमारी विज्ञान की क्लास रेगुलर 8 बजे होती है और गणित की क्लास रात को 9 बजे होती है। मैं आप सभी लोगों से सर्वप्रथम माफी चाहूंगा कि हमारी क्लासेस जो है कुछ समय से अनियमितताएं रही है उसके लिए, और यह अनियमितताएं मेरे न चाहते हुए भी रही है, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि किसी भी प्रकार से आपका कोर्स जो है 30 जून से आगे एक दिन भी मुझे पढ़ाना पड़े। लेकिन जो है न चाहते हुए भी कुछ ऐसे समस्याओं की वजह से मैं जो है क्लासेस नहीं ले पाया था, और कई बार जो है जीवन के अंदर ब्रेक लेना भी एक जरूरी हो जाता है, और वो बिना बताए ही मैंने जो है आप लोगों से ब्रेक ले लिया। उसके लिए आप लोग जो है थोड़ा सा परेशान जरूर हुए, आपने कमेंट्स किए, आपने मैसेजेस किए, आपने टेलीग्राम पर ज्वाइन करके मैसेजेस किए, लगातार डिस्कशन ग्रुप के अंदर यही डिस्कस कर रहे थे कि सर कहाँ है, गुरुजी कहाँ है। कुछ लोग तो, अरे सर कोर्स करवा दीजिए, हम आपके भरोसे हैं, आपका भगवान भला करे। देखो भगवान तो आपके प्यार से जो है भला कर ही रहा है, और निश्चित रूप से ही आप मेरे भरोसे हैं। मैं जानता हूँ राजस्थान के आज 34,000 विद्यार्थी एलडीसी एग्जाम के लिए, साइंस और गणित के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं आप लोगों का ये जो विश्वास है इसे नहीं तोड़ूंगा, और निश्चित रूप से आपका कोर्स पूरा करवाऊंगा। हम लोग बात कर रहे थे हमारे विज्ञान के अंतर्गत बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत हमने जो है बेसिकल जानकारी जो है बायोटेक्नोलॉजी की, जैव प्रौद्योगिकी की ले ली थी, और जैसे ही हमने जैव प्रौद्योगिकी टॉपिक को पढ़ना शुरू किया तो उसके बाद में आपने अपने सिलेबस के अंदर देखा होगा एक टॉपिक दे रखा है बायो पेटेंट, और बायो पेटेंट का मतलब होता है जैव पेटेंट। ये जो है हमारी क्लास नंबर है 124। इससे पहले की सभी क्लासेस हमारे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। यह बैच संपूर्ण तरीके से निशुल्क है और एकदम बेसिक से आप लोगों को इसके अंदर पढ़ाया गया है। हर टॉपिक जो है क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश की गई है, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे आपका स्पेस टेक्नोलॉजी हो, चाहे फिर आपका बायोटेक्नोलॉजी हो। अब देखिएगा, आप लोगों को मैं थोड़ी सी जो है जानकारी दे देता हूं कि हम इस बायो पेटेंट के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, आप सभी लोगों ने जो है जैव प्रौद्योगिकी को पढ़ा, और जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत मैंने आपको जो है बेसिक जानकारी दी, तो आपको बताया कि जैव प्रौद्योगिकी बेसिकली कर क्या रही है, जो आपका बायोलॉजिकल सिस्टम अभी तक प्रकृति के द्वारा चलाया जा रहा है, उस प्राकृतिक सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं जो है वैज्ञानिक अपना दिमाग लगा करके, वैज्ञानिक अपनी मेहनत के माध्यम से ये जो है करना चाहते हैं कि वो पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए मशीन और वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई अलग अलग विधियों से भी संचालित किया जा सके। जैसे कि कई बार जो है रोग के लिए जो टीके वगैरह बनाए गए हैं, अब उनको इतना एडवांस बनाना चाहते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी को जो है उस प्रकार के रोगों को देखने का मौका ही नहीं मिले। तो अब जब ये नई नई इसके अंदर रिसर्च होगी, आप लोग जानते ही हैं विज्ञान का नाम ही एक जो है ये कहलाता है, या विज्ञान जो पढ़ता है उसका जो है कहीं ना कहीं ये उद्देश्य होता है कि वो एक नई चीज को खोजेगा। ठीक है, तो विज्ञान के अंदर लगातार नए नए जो है हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं, लगातार नई नई खोजें होती रहती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं एलन मस्क जो है उनकी कंपनी है स्पेसएक्स, अब वो भी क्या करती है, रॉकेट्स वगैरह बनाती है ना, सैटेलाइट्स लॉन्च करती है। उसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा आज ही, यानी कि 24 जून 2023 का, 24 का सॉरी, आपने जो है अगर दैनिक भास्कर का न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो उसके अंदर बहुत ही शानदार एक नए स्टार्टअप व्योम नामक एक स्टार्टअप है, जो इंडिया के अंदर स्पेस एक्स कंपनी के तर्ज पर ही हैदराबाद के अंदर क्या कर रहा है, तो रॉकेट्स को जो है बनाने का कार्य कर रहा है। और एक जो विद्यार्थी जिसने की बीएससी कर रखी है, और वो अब इस स्टार्टअप को जो है रन कर रहा है, और उसका ये दावा है कि 2026 और 2027-28 तक जो है हम अपने खुद के प्राइवेट माध्यम से जो है छोटे छोटे रॉकेट्स को
जो है सैटेलाइट्स के लिए भेजेंगे कहां पर, अंतरिक्ष के अंदर, और वो भी कैसे, रीयूजेबल। ये बहुत बड़ी बात है और इसके बारे में मैं जब आपको वापस बायो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो करंट्स की चीजें पढ़ाऊंगा वहां बताऊंगा कि उस विद्यार्थी जो है एक स्टार्टअप के फाउंडर ने कैसे ये कार्य किया है और किस प्रकार से वो तीन प्रकार के अलग अलग रीयूजेबल, मैंने आपको स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ाई तब बताया भी है कि अब इंडिया और पूरा वर्ल्ड इस पर कार्य कर रहा है कि हम रीयूजेबल रॉकेट्स बना सके, रीयूजेबल इंजन बना सके, और जो है वो होने से क्या होगा कि जो ये खर्चा आता है 700-800 करोड़ रुपए का एक सैटेलाइट को लॉन्च करने में, वो ज्यादातर खर्चा रॉकेट का होता है, लेकिन अगर हमने रीयूजेबल रॉकेट्स बना लिए तो क्या होगा, वो सैटेलाइट को छोड़ करके आ जाएगा वापस इंडिया, मतलब अपने पास में जहां से भी छोड़ा जाएगा, तो उससे ये बेनिफिट होगा कि हमारे पास में जो खर्चा है वो कम हो जाएगा। तो अब ये एक नई रिसर्च है, अब वो रिसर्च मान लीजिए किसी व्यक्ति के द्वारा चुरा ली जाती है और किसी और के द्वारा फिर उसी रिसर्च पर कार्य करके उस प्रोडक्ट को जल्दी से बना करके जो है मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया जाता है। तो इससे क्या होगा कि जिस व्यक्ति ने मेहनत करी, जिस व्यक्ति ने रिसर्च करी, जिस व्यक्ति ने इस चीज को खोजा, उसके लिए घाटा हो गया, क्योंकि पैसे के दम पर क्या हो जाएगा, वो जो पैसों वाला व्यक्ति था उसने प्रोडक्ट बना करके बेचना चालू कर दिया, पैसे में तो गलत बात है भाई, जिसने खोज करी उसको तो जो है फायदा होना चाहिए। तो इसीलिए जो है आपका ये पेटेंट नामक एक नया नियम निकल करके आता है, या एक रूल कह सकते हैं, या एक अधिनियम कह सकते हैं, या ये कानून जो है हम कह सकते हैं। अब ये पेटेंट क्या करता है बेसिकली, कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई नई चीज की जो है खोज करी, सपोज करो मैंने कोई एक नई चीज ऐसी खोजी जो अभी तक पूरे विश्व के अंदर किसी दुनिया में किसी को नहीं पता थी और मैंने उस चीज के बारे में पता लगाया, तो मेरा अब ये अधिकार है कि मैं उस चीज पर एकाधिकार रखूंगा, मैं उस चीज के बारे में अब जो है अपनी मेरी सहमति के बिना कोई भी व्यक्ति उस चीज का यूज नहीं कर सकता। जैसे आप लोगों को पता है एक कॉपीराइट का जो है नियम होता है, अब कॉपीराइट का नियम है वो होता है जैसे कि ये देखो ये किताब है ना, ये किताब मैंने लिखी, इसके अंदर विज्ञान का कंटेंट मैंने दिया। अब मान लीजिए इसी बुक को उठाकर कोई व्यक्ति क्या करता है कि विज्ञान को जो है पूरी पूरी प्रिंट करता है और उस बुक को सेल करना शुरू कर दे, तो क्या ये गलत नहीं है, मैंने मेहनत करी, मैंने लिखा कंटेंट और उसको कोई और यूज करे, ये सही बात है क्या, ये गलत हुआ ना। तो ये गलत हुआ तो इसके लिए तो है कॉपीराइट नियम, ऐसे ही नई चीजों के लिए है जे पेटेंट। अब समझ लेते हैं, आपने जे पेटेंट को समझ लिया है कि अच्छा ये बेसिकली एक नियम है जो क्या करता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा की गई नई नई खोजों को जो है उसके ऊपर अधिकार प्रदान करता है कि हाँ इस व्यक्ति ने इस चीज की खोज करी थी, इसलिए आप उससे सहमति लीजिए, उसके बाद में आप जो है उसका उपयोग करके कोई नया उत्पाद या उत्पादन जो भी करना चाहते हैं वो कर सके। समझ में आई बात, तो आप अब बायो पेटेंट के बारे में लिखना शुरू करेंगे जल्दी से, और इस पर आधारित क्वेश्चन 2-3 आए हैं लास्ट बार, वो भी मैं बताऊंगा किस किस प्रकार के आए थे। तो बायो पेटेंट का मतलब है जैव पेटेंट, ठीक है। तो बायो पेटेंट सरकार द्वारा किसी खोजकर्ता है ना भाई, जिसने खोज करी है, कोई जो वैज्ञानिक है जिसने नई चीज बताई है उसकी बात कर रहे हैं, तो किसी खोजकर्ता को जैविक अन्वेषण का मतलब बायोलॉजिकल रिसर्च जो करी गई है, ठीक है। तो एक सेकंड, ये क्या हो गया, अच्छा एक मिनट है ना, एक सेकंड, चलिए। तो बायो पेटेंट सरकार के द्वारा किसी खोजकर्ता को जैविक प्रक्रियाओं या कोई नया जो है प्रोडक्ट है यानी उत्पादों, ठीक है, उत्पादों के लिए प्रदान किया गया विशेष अधिकार है
ठीक है, यानी कि स्पेशल एक राइट है। तो बेसिकली बायो पेटेंट का मतलब क्या हो गया कि किसी खोजकर्ता के द्वारा कोई जैविक अन्वेषण किया गया, कोई रिसर्च की गई, कोई प्रक्रिया बताई गई, या कोई जो है नया उत्पाद बनाया है, तो उस उत्पाद को उसने बनाया है उसके लिए उसको एक विशेष अधिकार दिया जाता है, बस ये है इसकी बात। ठीक है, जो क्या करेगा तो देखिएगा आगे लिखेंगे कि ये क्या करता है, खोजकर्ता के हितों की रक्षा का अधिकार है। तो ये क्या है, खोजकर्ता के हितों, खोजकर्ता के हितों हितों की रक्षा का अधिकार है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो है खोजकर्ता के हितों की रक्षा का अधिकार है। और यह क्या करता है, तो अन्य लोगों के जो आपका अन्वेषण वगैरह है उसके व्यावसायिक उपयोग को जो है रोकता है। ठीक है, इसके अलावा जैव पेटेंट एक नवीन अन्वेषण, नवीन उत्पाद है, कोई पूर्व अन्वेषण में उत्नयन उत्पादों के निर्माण की प्रक्रिया, किसी भी संकल्पना या फिर प्रारूप के लिए प्रदान किया जाता है, यानी कोई भी नई चीज है उसके लिए प्रदान किया जाएगा। ऐसे नहीं कि कोई जो है आपने पहले से चीज एग्जिस्ट में थी और आप फिर उसको बताओगे नहीं इस पे दे दो, नहीं देंगे उसके ऊपर। ठीक है, अब भारत के अंदर ये कब आया, तो जैव पेटेंट का नियम देखिए, भारत में वर्ष 1856, ये याद रखना, ये पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन, मैं अभी बताऊंगा क्या पूछा था, तो वर्ष याद रखना, भारत में 1856 से पेटेंट कानून लागू है, ठीक है, 1856 से ही पेटेंट कानून लागू है, और जिसमें क्या होता है, समय समय पर आप लोग जानते ही हैं कि कोई भी नियम है उसके अंदर परिवर्तन होता रहता है। अब क्या हुआ कि ये जो कानून था, फिर इसको धीरे धीरे अब जो है लीगल रूप दिया जाने लगा, तो इसके लिए फिर वर्ष 1970 के अंदर अधिनियम लाया गया, कब, वर्ष 1970 में, तो वर्ष 1970 में, वर्ष 1970 में पेटेंट अधिनियम को, पेटेंट अधिनियम को पारित किया गया। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर क्या हुआ था कि जो आपका 1970 का पेटेंट अधिनियम था उसके अंदर जो अंतरराष्ट्रीय कानून थे, इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है इसको लेकर के कुछ अलग अलग कानून बने हुए हैं, उन कानूनों के तहत जो है फिर इस 1856 के कानून को थोड़ा सा परिवर्तित किया गया और उसके बाद में 1970 में जो है पेटेंट अधिनियम को पारित किया गया। और आपको बता दूं कि आपके LDC एग्जाम 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस वर्ष से जो है आपका भारतीय पेटेंट अधिनियम पारित हुआ था, और ऑप्शन दे दिए थे 1960, 1970, 1980, 1990। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो 1970 के अंदर पेटेंट अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, इसके बाद में अब फिर इस पेटेंट के अंदर जो अधिनियम है इसके अंदर समय समय पर परिवर्तन किए गए। अब जैव प्रौद्योगिकी के लिए जो परिवर्तन किया गया था वो 2002 के अंदर किया गया, तो आप इसी के अंदर आगे लिखेंगे कि पेटेंट कानून के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी पेटेंट के लिए, किसके लिए, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी, ठीक, बायोटेक्नोलॉजी पेटेंट के लिए, बायोटेक्नोलॉजी पेटेंट के लिए वर्ष 2002 में, कब, 2002 में जो है संशोधन किया गया, यानी कि परिवर्तन किया गया, तो संशोधन किया गया। ठीक है,
तो ये बात आपको याद रखनी है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, ये लीजिए कि 1970 का जो पेटेंट अधिनियम था उसको पारित किया गया, फिर जैव प्रौद्योगिकी के लिए उसके अंदर जो संशोधन किया गया था वो 2002 के अंदर किया गया, इसके अलावा भी 2003 में इसमें परिवर्तन किया गया था, 2005 के अंदर भी इसके अंदर संशोधन किया गया है, ठीक है। चलिए तो ये बात आपको याद रखनी है। अब इसके बाद में एक आपको आगे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर जो जैव प्रौद्योगिकी है उस जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अगर किसी उत्पाद के लिए हमें पेटेंट प्राप्त करना है तो उसकी कुछ जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, कुछ आवश्यकताएं होती है, जैसे अपने क्वालिफिकेशन होती है ना भाई, एलडीसी के लिए 12वीं पास और साथ में सीईटी की 15 गुना में आप होने चाहिए, ऐसे ही जो है आपके बायो पेटेंट के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं वो आप लिख लीजिए। तो भारत में जैव प्रौद्योगिकी पेटेंट प्राप्त करने हेतु शर्तें, ठीक है, कुछ कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस को अपन जब फुलफिल करेंगे तभी आपको भारत के अंदर बायोटेक्नोलॉजी पेटेंट प्राप्त होगा, यानी कोई भी नई बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चीज है उस पर अगर आप पेटेंट चाहते हैं तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं, जिसमें पहली शर्त आपके सामने आ जाती है कि पेटेंट योग्य विषय वस्तु, सबसे पहले क्या कि वो पेटेंट के योग्य होनी चाहिए। अब ऐसे नहीं कि आप जो है घर से दो हाथों से लिखने वाले बन गए तो कि सर मैंने ऐसे मानव को बना लिया जो दोनों हाथों से लिखेगा, नहीं भाई वो नहीं है, ठीक है। पेटेंट योग्य विषय वस्तु, सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि वो पेटेंट के योग्य हो। दूसरी चीज आपके पास में आ जाती है कि औद्योगिक प्रयोगता होनी चाहिए, यानी जो भी आपने चीज खोजी है उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई चीज बनाई और उसका उपयोग ही कुछ नहीं है तो फिर क्या काम की वो, ठीक है। तो औद्योगिक प्रयोगता लिखेंगे, औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्रियल प्रयोगता, ठीक है, प्रयोगता यानी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो पेटेंट योग्य विषय वस्तु यानी कि पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर, और औद्योगिक प्रयोज्यता का मतलब है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये हिंदी वाले वर्ड्स थोड़े से समझ आ जावे। इसके बाद में नवीनता होनी चाहिए, ठीक है, क्या होनी चाहिए, नवीनता यानी कि कोई नई चीज होनी चाहिए उसके अंदर। चौथी चीज इसके अंदर कंडीशन आ जाएगी आपके पास में कि अधिकारशीलता कदम यानी कि भाई उसके ऊपर आपका अधिकार हो, ऐसा भी उसमें कुछ होना चाहिए, आपको जो है उसके अंदर ऐसा कोई इन्वेंटिव आपका तरीके से आपने ऐसा कोई इन्वेंशन किया भी हो, है ना, आपको अधिकार मिले तो उसके लिए आपने कुछ ऐसा इन्वेंशन किया हो, ऐसा नहीं कि किसी और की चीज को या आपने किसी और तरीके से तोड़ मरोड़ करके बता दी और आप अधिकार मांगो, नहीं। इसके बाद में पांचवी कंडीशन है आपके पास में नैतिकता, यानी कि वो चीज जो है नैतिक रूप से उपयोगी होनी चाहिए उसके अंदर, मोलर जो है मोरलिटी होनी चाहिए, नैतिक होनी चाहिए, है ना, ऐसा नहीं कि वो जो है चीज आपका किसी को जो बहुत सारे लोगों का नुकसान पहुंचा रही हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऐसी चीज हो जो है आपके लिए क्या हो भाई, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो घाटे का सौदा हो, सीधी सी बात तो ये है, आप तो ये समझ लीजिए। जैव प्रौद्योगिकी में ऐसी कोई चीज मत बना देना जिससे आपको घाटा हो रहा हो, या इस पृथ्वी पर किसी मानव को घाटा होता हो तो वो भी नैतिकता नहीं है आपकी, है ना, आपने कोई अच्छा कार्य नहीं किया। जैसे मान लीजिए YouTube के ऊपर आकर के जो है आजकल कई लोग क्या कर रहे हैं कि जिन्हें इस कई प्रकार की भर्तियों का नॉलेज नहीं है फिर भी वो लोग जो है उस चीज के बारे में बता रहे हैं या गलत प्रकार की अफवाहें फैला देते हैं कई बार, जैसे है ना, तो वो चीज गलत है, तो वो नैतिक कार्य नहीं कर रहे हैं आप। नैतिकता होनी चाहिए कि आप उस चीज को पढ़ाने के काबिल है या नहीं, है ना,
ऐसा नहीं हो कि आप जो है समय की मांग को देखते हुए अपने अनुसार उसका डिसीजन लेकर के जल्दी जल्दी लोगों के सामने वीडियो परोस रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये है आपका भारत में जैव प्रौद्योगिकी पेटेंट प्राप्त करने की कुछ आवश्यकताएं या कुछ शर्तें। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। राइटिंग मेरी थोड़ी सी जो है खराब है जरूर, मैं जानता हूं, है ना, लेकिन क्या करूं, धीरे धीरे प्रयास से ही सुधरती है राइटिंग, तो अब यहाँ पे तो है ना। अब देखिए, पेटेंट अधिनियम जो 1970 है उसके अंदर धारा 3 है ना भाई, धारा 3 थी यार, और भी बहुत सारी धाराएं हैं, लेकिन धारा 3 के जो है तहत कुछ हमने क्या करा है कि अन्वेषण जो थे उनको पेटेंट के दायरे से बाहर रखा है। यानी कि अगर आपने कुछ, मैं अभी आपको पॉइंट्स बताऊंगा, उस पॉइंटों के तहत आपने कोई रिसर्च कर ली तो वो आपका पेटेंट आपको नहीं मिलेगा। समझ आ गई बात, पेटेंटेबल जो आपको बताया था ना कि पेटेंट योग्य होनी चाहिए, तो पेटेंट योग्य कौन सी वस्तु नहीं होती है वो मैं आपको यहां बता दूंगा, और वो पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 3 के अंतर्गत ये दे रखा है। तो आप लिखेंगे, क्योंकि धारा 3 के बारे में पूछा जा सकता है कि धारा 3 में क्या लिखा गया है, तो आप लिखेंगे पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 3 के तहत, किसके तहत, धारा 3 के तहत पेटेंट से बाहर रखी, बाहर पेटेंट से बाहर रखी, पेटेंट से बाहर रखी, ये कह सकते हैं रखी विषय है ना, रखी विषय। तो भाई पेटेंट से बाहर रखी गई कौन कौन सी आपकी जो है चीजें हो सकती है, तो सबसे पहली जो है अगर आपने कोई वस्तु बनाई है और वो प्रकृति में पाए जाने वाला कोई जीव है उसकी खोज है, मान लो है ना। अब भाई प्रकृति के अंदर कोई जीव मिल रहा था लेकिन उसके बारे में किसी को नहीं पता था और आपने सबसे पहले बता दिया, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि अभी जीव के ऊपर मेरा अधिकार है, नहीं, आपका अधिकार नहीं है, वो प्रकृति में ऑलरेडी मिल रहा था। तो आप लिखेंगे कि प्रकृति में पाए जाने वाले जीवों की खोज। ठीक है, आपने क्या करा, प्रकृति में पाए जाने वाले किसी जीव की खोज कर ली। दूसरी कंडीशन है कि आपने क्या करा, मानव जाति तथा जो भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं होती है, यानी कि जो छोटा भ्रूण होता है ना, उस भ्रूण की जो स्टेम सेल्स है उसके लिए भी आपको किसी भी प्रकार का कोई बायो पेटेंट नहीं मिलेगा। अब स्टेम सेल जो है वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको अपन अभी नहीं समझेंगे। तो आप लिखेंगे कि मानव जाति तथा भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाओं के लिए। ठीक है, तो ये दूसरी कंडीशन है जो आपको याद रखनी है। तीसरी कंडीशन आपके पास में आ जाती है कि चिकित्सकीय जो उपचार के तरीके हैं उनके लिए आपको ये नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चिकित्सा उपचारों के लिए। ठीक है, यानी कि जो आपके हॉस्पिटल के अंदर जो उपचार के लिए आप है ना, कोई नया उपचार आपने रिसर्च करा तो उसके ऊपर आप अधिकार नहीं बता सकते, वरना तो क्या होगा, मान लो आपने कोई दवाई बना ली और फिर आप उस कह दो कि भाई ये दवाई तो बस मैंने बनाई है, मैं किसी को नहीं दूंगा, तो एक अधिकार नहीं कर सकते आप इस प्रकार की चिकित्सा उपचार के ऊपर। ठीक है, इसके बाद में चौथा जो है आपके पास में आ जाता है कि आनुवांशिक रूप से अगर कोई परिवर्तित यानी कि मॉडिफाइड किया गया जेनेटिकली, तो आप लिखेंगे आनुवंशिक
अनुवंशिक रूप से परिवर्धित, क्या अनुवंशिक रूप से परिवर्धित बहुकोशिकीय, ठीक है, तो अनुवंशिक रूप से परिवर्धित बहुकोशिकीय जीवों पौधों, ठीक है, अनुवंशिक रूप से जीवों पौधों मानव जंतुओं, ठीक, मानव जंतुओं एवं या फिर उनके भागों के लिए, ठीक है, तो जंतुओं और उनके भागों के लिए, ठीक। तो ये बात आपको याद रखनी है कि हमारे पास में जो आनुवंशिक रूप से अगर कोई परिवर्तित यानी कि जेनेटिकली कोई मॉडिफाइड आपने जो है जीव है, जंतु है, मानव है, पौधा है या फिर उनका कोई भाग है उसको आपने बना लिया और फिर आप उसके ऊपर बायो पेटेंट मांगो तो उसके ऊपर बायो पेटेंट आपको देनिया नहीं होगा, ठीक है। ये चार कंडीशन लिखिए, इसके बाद में एक और लास्ट कंडीशन मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं, जल्दी से लिखेंगे इसको। इसके बाद में आप लोगों ने जो देखो ये पॉइंट लिख लिए होंगे तो आप लास्ट पॉइंट अब जो है ये लिख सकते हैं कि जो पादप है या जंतु है उसका किसी भी भाग के लिए, जैसे कि मान लो कोई बीज ले लिया आपने या उसका कोई किस्म है या कोई प्रजाति है या जंतु है या पौधा है उसके उत्पादन के लिए या उसके अंदर आपने कोई प्रवर्धन कर दिया तो उसके लिए जो है जैविक प्रक्रिया जो थी उसके लिए भी आप किसी भी प्रकार से बायो पेटेंट नहीं प्राप्त कर सकते हो। समझ में आ गई बात। तो बायो पेटेंट कब कब प्राप्त होगा और कब प्राप्त नहीं होगा ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा बायो पेटेंट अधिनियम जो है आपका 1970 में आया, 1856 में ये कानून लागू था, ठीक है। इसके बाद में इसके अंदर जैव प्रौद्योगिकी के लिए 2002 में संशोधन किया गया, 2003 में इसमें संशोधन हुआ, 2005 के अंदर इसके अंदर संशोधन किया गया है। इसके अलावा आपको एक बात याद रखनी है कि जो ये बायो पेटेंट दिया जाता है ये बायो पेटेंट कोई ताउम्र नहीं दिया जाता, यानी आपने एक बार जो है बायो पेटेंट प्राप्त कर लिया तो आजीवन आप जो है उस वस्तु के ऊपर अधिकार नहीं रख सकते हैं। बायो पेटेंट जो आपका है वो 20 वर्षों के लिए ही लागू रहेगा, यानी आपका उसके ऊपर जो एकाधिकार है या आपसे जो सहमति लेने का जो अधिकार है किसी अन्य व्यक्ति का वो केवल 20 वर्ष तक, उसके बाद में वो वस्तु जो है सामान्य हो जाती है और फिर आपका कोई अधिकार उसके ऊपर नहीं रहता है। तो आप लिखेंगे कि बायो पेटेंट 20 वर्ष तक लागू रहता है। अब यहां पर जो है 20 वर्ष तक लागू रहता है ये बात तो ठीक है, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये 20 वर्ष काउंट कहां से किए जाते हैं। तो आपको बता दूं कि जिस दिन आपने बायो पेटेंट के लिए अप्लाई किया उस तारीख से जो है 20 वर्ष काउंट किए जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि बायो पेटेंट के लिए जो 20 वर्ष तक जो ये कानून लागू रहेगा किसी भी नए खोज के ऊपर वो आपका जिस दिन आपने अप्लाई किया था उस दिन से काउंट किया जाता है 20 वर्ष। समझ में आ गई बात। तो ये 20 वर्ष कब से लागू होते हैं, जिस दिन आपने अप्लाई किया उस दिन से 20 वर्ष तक, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये चीज आपको कंफ्यूज कर सकती है, ये चीज पूछी भी जाती है, तो ये याद रखना कि बायो पेटेंट जो है वो 20 वर्ष तक लागू रहता है और जिस दिन आपने अप्लाई किया उस दिन से 20 वर्ष। इसके अलावा इसमें जो है पर्टिकुलर कुछ आपको जो है जैसे चावल है, नीम है, गेहूं है, इस प्रकार के कुछ विशेष जो फसल है उनके नाम याद रखने हैं और उनकी जैव पेटेंट प्राप्त जो किस्में हैं उनका नाम याद रखना है, क्योंकि 2018 एलडीसी के अंदर चावल का जो है ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी किस्म, चावल की कौन सी किस्म को जैव पेटेंट प्राप्त है। तो चावल की जो आपकी बासमती चावल है उसको जो है जैव पेटेंट प्राप्त है। तो इस प्रकार के जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जैव पेटेंट आपको जो है खुद अभी देखना है कि भाई कौन कौन से के कौन कौन सी किस्मों को प्राप्त है, मैं इसके बारे में आपको जो है आगे की क्लासेस के अंदर बताने वाला हूं, तब तक आप लोग खुद इसके ऊपर रिसर्च करेंगे।
तो बायो पेटेंट के बारे में इतनी ही जानकारी आपको अगर है तो आपका काम हो जाएगा। कुछ विशेष जैसे कि गेहूं है, नीम है और कुछ चर्चाओं में रहते हैं, उनके बारे में अपन करंट अफेयर्स के अंदर थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि ये चीजें जो है लगातार चेंज होती रहती है। बायो पेटेंट बहुत सारी चीजों को दिया जा चुका है, अब सबका याद नहीं करना है, किस किस का याद करना है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग में आपको लिस्ट बना करके बता दूंगा, तो वो करंट से थोड़ा लिंक करके बताना है। इसलिए जब अपना एक बार स्टैटिक्स वाला जो ये पोर्शन है वो हो जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी जो स्टैटिक्स वाला पोर्शन हो जाएगा, उसके बाद आपके स्पेस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का जो करंट्स के कुछ जो है लास्ट 1-1.5 साल के अंदर चीजें हुई है वो मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा, तब आपको वो भी क्लियर करवा देंगे। तो नो, आप जो है किसी भी प्रकार की कोई चिंता करें, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन भी अपन अच्छे से करेंगे। ठीक, तो ये बायो पेटेंट आज यहाँ पर समाप्त हुआ। अब अपन अगली क्लास के अंदर पराजीवी जीनों के बारे में बात करेंगे और उसके बाद आपकी ये जो जैव टेक्नोलॉजी है, जैव बायो टेक्नोलॉजी है, ये समाप्त हो जाएगी। तो आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि ये चीज आज समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।